वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम जर्नल एंट्री करते हैं जो अमाउंट हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज ट्रांजेक्शन, मतलब देखिए क्या होता है कि हम अपने शेयर की जो प्राइस है अगर 10 रुपये है तो इसको हम 4 पार्ट में मांगते हैं। एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है अलॉटमेंट, एक होता है फर्स्ट कॉल और एक होता है फाइनल कॉल। ये दोनों कॉल होता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब भी कभी भी आप कोई चीज लेते हैं तो सबसे पहले आप उसका एप्लीकेशन लेते हैं और उसमें कुछ पैसा सबसे पहले जमा करते हैं। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले अपना एडमिशन फॉर्म के साथ कुछ पैसे जमा करते हैं और उसके बाद जब सब कुछ सही हो जाता है, फॉर्म चेक कर लिया जाता है, तो आपको अलॉट कर दिया जाता है कि आपका एडमिशन नंबर अलॉट हो गया। तो सबसे पहले इसमें हम पैसा रिसीव करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इनको अलॉट करना है कि नहीं करना है। जब आपको अलॉट कर दिया जाता है तो उसके बाद आप जो है हर मंथ अपनी फीस जमा करते हैं, तो उसके बाद आपको फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मांगते हैं। तो यानी 10 रुपये को 4 भाग में मांगा, 1 भाग में ना मांग के। अब हम देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्री किस प्रकार से करते हैं। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन मनी आ जाएगा पैसा, तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। अब बैंक अकाउंट, इसमें हम कैश का यूज नहीं करते कंपनी में, बैंक का यूज करते हैं क्योंकि पब्लिक का पैसा रहता है तो थोड़ा क्रिस्टल होना जरूरी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, अमाउंट रिसीव विद एप्लीकेशन, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के साथ पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ठीक है, उसमें जब आपने एप्लीकेशन आकर अलॉट कर दिया तो शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जब शेयर एप्लीकेशन आ गया तो उसको आप शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं, उस टाइम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसका आता है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जब आपने शेयर एप्लीकेशन कर लिया उसके बाद अलॉटमेंट के लिए आप उस पर पैसा ड्यू करते हैं, उसमें एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उसमें क्या है कि क्या काम करते हैं, मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट, भाई हमने एप्लीकेशन ले लिया, अब उसको अलॉट कर दिया तो उसके पैसे हम उस पर ड्यू करते हैं, ड्यू के बाद वो आपको पैसा देगा, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, यानी जब आप उसमें ड्यू करते हैं फिर आपको पैसा देता है, तब एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आपको आ जाता है। ट्रांजेक्शन होती है ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट, जो आपने शेयर को अलॉट कर रखा है। थर्ड एंट्री आती है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां मैं एक साथ ही ले लेता हूं, चाहे आप फर्स्ट कॉल मांगिए या फाइनल कॉल, दो अलग कॉल में मांगिए, एक ही बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग लीजिए। तो क्या करते हैं, इसमें जनरल एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट पेबल ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जब आप उस पर ड्यू करते हैं फिर वो आपको पैसा देता है। ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो आपको फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा देता है उस टाइम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एक छोटा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इसको याद रखें। हम मान लेते हैं कि बैलेंस शीट है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल आता है, ये तो पता ही है क्योंकि कैपिटल तो आता ही है, क्योंकि ये कंपनी है तो शेयर का है इसलिए शेयर कैपिटल हो जाता है। दूसरा, इस तरह हम डेबिट मानते हैं, जैसे हम लोग डेटर समझते थे तो उस तरह यहाँ पे डेबिट है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यानी ये हर वक्त डेबिट होंगे जनरल एंट्री के टाइम, ठीक है, और ये इधर क्रेडिट होगा। तो इजीली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब भी आप जनरल एंट्री करेंगे। और जब पेमेंट करेंगे तो बैंक को आप हर वक्त डेबिट करेंगे और इन चीजों को शेयर इसको क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन वगैरह जो भी आता है वो। अब देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि 5% से कम आपका शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं होना चाहिए, और सेबी प्रिस्क्राइब करता है कि आपका 25% से कम शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब आप पैसा रिसीव करते हैं तो कैसे कैसे आप जनरल एंट्री करते हैं। ध्यान रखेंगे सबसे पहला एंट्री बैंक का होगा, पैसा आएगा, उसके बाद सारी एंट्री पहले ड्यू होगी, बाद में पेमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट किया जनरल एंट्री, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।